हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 13 करने वाले हैं, जो आपकी हिंदी सब्जेक्ट की वर्कशीट है क्लास सेवन्थ स्टूडेंट की। ठीक है, इसमें आपका दिया गया है, जो ये पुरानी वर्कशीट आपकी चलती आ रही है, ठीक है, उसी का एक पार्ट आपका दिया गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, अपनी अपनी नोटबुक निकालेंगे, जिससे आप लोग हैंड टू हैंड क्या वर्कशीट को कम्प्लीट कर सकें। ठीक है, तो देखो मेरा चैनल पे आपको पुराने बच्चे जानते हैं कि वर्कशीट कराने का तरीका अलग है। मैं आपको हैंड टू हैंड लिखवाता हूँ और समझाता चलता हूँ कि आपको एक्चुअल में क्या चीज़ लिखनी है और क्या चीज़ समझनी है। ठीक है बच्चों, और दूसरी चीज़ जो मेरे चैनल पे गेम चल रहा था, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने उसमें थोड़ा सा चेंज किया है। उसमें क्या चेंज किया है, उससे क्या होगा, देखो आपको प्रॉपर पता लगेगा। बहुत बच्चे पूछते थे सर गिफ्ट क्या है, कैसे पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में वो सारी चीज़ क्लियर होगी जो मैंने चेंज किया था। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो बच्चे भी आज समझ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग अपना विषय देखेंगे हिंदी। ठीक है, आपका विषय कौन सा है बच्चों, हिंदी का। ठीक है, फिर आप लिखेंगे वर्कशीट नंबर। वर्कशीट नंबर बच्चों आपका कितना है, 13। ठीक है, फिर आप लोग अपनी क्लास लिखोगे। क्लास आपकी बच्चों कौन सी है, सेवन्थ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेट, आपको डेट लिखनी है अपनी 1 सितंबर। ठीक है बच्चों, 1 सितंबर 2021। ठीक है, तो ये आपको इतना लिखने के बाद सभी बच्चे नोटबुक और पेन साइड में रख देंगे, जिससे मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा सकूं और आप लोग अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर सकें। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें आपका स्टार्टिंग में दिया गया है, धुंधली छाया विलीन हो गई। ठीक है, धुंधली छाया क्या है, विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया। ठीक है, तो देखो इन्होंने देखा कि छाया विलीन हो गई, मतलब कि दिन क्या है, ढल सा गया। ठीक है, पास के लंबे खजूर पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखे फैलाकर मेरी खिड़की पर आके बैठ गया। ठीक है, जो पास का एक खजूर का पेड़ था, उसके पास लंबा सा, उससे क्या है, एक कौवा उड़ता हुआ आके और अपने पंख क्या है उसने फैला रखे थे, तो उसकी कहाँ आके बैठ गया, उसकी खिड़की पर आके बैठ गया। अब हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था। ठीक है, काली चींटियों सी कतारें घुमिल हो रही थी, आंखों पर विश्वास नहीं होता था। ठीक है, देखो क्या खबर आई थी लास्ट में, कि दादी माँ उसकी नहीं रही, मतलब उसकी क्या, जो दादी माँ थी वो नहीं रही, तो उस बात पर उसे क्या है, विश्वास नहीं हो रहा था, जो उसने पत्र ले रखा था, जिस पत्र पर लिखा था। ठीक है, तो यहीं पे याद दिया गया, हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है, आंखों पर विश्वास नहीं होता। ठीक है, मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, वो इस वर्कशीट में यही सोचता है। इसमें सिर्फ इतना ही आपको बताया गया है सिंपली, कि उसे विश्वास नहीं होता है कि दादी माँ चली गई, वो अब भी उसके आसपास हैं, वो उनको देखता है, उनको समझता है, उनको सुनता है। ठीक है, उसे ऐसा महसूस होता है। ठीक है, तो इस वर्कशीट में आपका इतना दिया था, ये समझने की चीज़ें थी। अब सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक ले लेंगे, जिससे आप लोग हैंड टू हैंड इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर सकें। ठीक है, आपका पहला दिया गया है, दिन काफ़ी चढ़ गया है, पाठ में दिन चढ़ने से क्या तात्पर्य है। ठीक है, आपको पूछा गया है फर्स्ट में, दिन काफ़ी चढ़ गया है, पाठ में दिन चढ़ने से क्या तात्पर्य है, तो आपको बताना है दिन चढ़ने से क्या मतलब होता है। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे दिन चढ़ने का मतलब समय बीत जाना होता है। ठीक है, समय बीत जाना होता है। ठीक है, जैसे मान लो आप दोपहर में बैठे हो, तो आपका क्या, शाम आ गई, तो एक तरीके से क्या हो गया, समय बीत गया। तो यही लिखा हमने, दिन चढ़ने का मतलब समय बीत जाना होता है। देखो इसमें पूछा गया है सेकंड में, ठीक है, फर्स्ट हमारा हो गया, सेकंड में पूछा गया है धुंधली विशेषण जोड़कर चार नए युग्म बनाइए। ठीक है, देखो जैसे हमने देखा धुंधली छाया, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, कोई दृश्य मान लो फोटो है, ठीक है, वो आपका धुंधला दिख रहा है, तो आप उसमें देखो आपको चार बनाने, एक में लिख देता हूँ धुंधली छाया हो गया। ठीक है, आप लिख सकते हो इसमें धुंधली तस्वीर,
धुंधली तस्वीर। ठीक है, देखो मान लो कोई तस्वीर टंग रही है, ठीक है, वो धुंधली कब हो सकती है, जब मान लो उसके ऊपर पानी लग जाए, कुछ लग जाए, ठीक है, वो भी धुंधली हो सकती है। ठीक है, आप लिख सकते हो धुंधला प्रकाश। ठीक है, जो आपका प्रकाश आ रहा है, उजाला जो आ रहा है, वो भी आपका धुंधला हो सकता है। ठीक है, ठीक है, इसमें आप एक और लिख सकते हो धुंधला दृश्य। ठीक है, आपके कितने हो गए, और आप इसमें लिख सकते हो धुंधली आंखें। ठीक है, आंखें भी कभी कभी धुंधली हो जाती हैं। कब होती हैं बच्चों, जब पानी गिरता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग नहाते होगे, आपको थोड़ा धुंधला दिखता है क्योंकि उसमें से पानी गिरता है। ठीक है, अब आपका थर्ड दिया गया है दादी माँ अब नहीं रही, इस बात से आप क्या समझते हैं। ठीक है, थर्ड हम लोग करेंगे, इसमें देखा दादी माँ अब नहीं रही, इस बात से आप क्या समझते हैं। इसका मतलब दादी माँ मर चुकी हैं। ठीक है, नहीं रही का मतलब क्या है, वो क्या है बच्चों, मर चुकी है, इसलिए वो अब नहीं रही। ठीक है, इसलिए वो उसे विश्वास नहीं होता है कि वो सचमुच ऐसा हुआ है, क्योंकि वो उनको डेली देखता। ठीक है, दादी माँ की मृत्यु का समाचार लेखक को किससे प्राप्त हुआ। ठीक है, तो उनको क्या था, एक किशन भैया थे जो उन्हें बता के गए थे, उनको पत्र दे के गए थे। ठीक है, तो उसमें आप लिखोगे दादी माँ की मृत्यु मृत्यु का समाचार लेखक को किशन भैया से प्राप्त हुआ। ठीक है, ये आपका फोर हो गया। अब फिफ्थ में दिया गया, जिस तरह चींटियां एक कतार में चलती हैं, ऐसे आपने किस किस को एक कतार में चलते देखा है, बताइए। ठीक है, जैसे आप लोगों ने काफी बार देखा होगा जो चींटियां होती हैं वो क्या है, एक कतार में चलती हैं। ठीक है, तो आपने देखो बहुत सारे जानवर भी देखे होंगे। ठीक है, जो बच्चों एक ही कतार में चलते हैं, बहुत सारे जानवर हैं ऐसे जो आपको रोड पर देखने को मिलेंगे, जैसे भेड़ होती है। ठीक है, तो भेड़ एक के पीछे एक के पीछे एक वो चलती रहती हैं। ठीक है, तो लेकिन इसमें आप और भी एग्जांपल लिख सकते हो, आप गाड़ियाँ लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आप विद्यालय में आप लोग कैसे चलते हो, आप लोग भी इसी तरीके से किस चीज़ में चलते हो, एक लाइन में चलते हो, कतार में चलते हो। तो ठीक है, तो आपने किस किस को देखा है कतार में चलते हुए, तो आपने देखो बच्चों दो ही चीज़ देखी होगी, जिस बच्चे ने भेड़ देखी है वो लिख सकता है, बाकी मैं आपको दो चीज़ लिखवा रहा हूँ। ठीक है, आप लिख सकते हो स्कूल में बच्चे। ठीक है, स्कूल में बच्चे एक ये हो गया, दूसरा आप इसमें लिख सकते हो सड़क पर वाहन। ठीक है, सड़क पर जो वाहन होते हैं वो भी बच्चों एक कतार में चलते हैं। ठीक है, तो आपने दो चीज़ देखी है जो एक कतार में चलती है, मतलब एक ही लाइन में। ठीक है, लास्ट आपके दिया गया है कौवा खिड़की पर आकर बैठ गया, पाठ में लेखक इस बात को लेकर क्या कहना चाहते हैं। देखो कौवा से आप क्या समझते हो, मोस्टली आप सोचते हो कौवा खिड़की पे आके बैठ गया, तो वो उसको क्या लगा, वो एक अशुभ समाचार लेके आया है। ठीक है, इसका मतलब कि कोई अशुभ
संदेश लेकर आ गया, लेकर आ गया। इसका मतलब कि कोई अशुभ संदेश लेकर आ गया। ठीक है, तो ये आपकी छह क्या है कंप्लीट हो गए क्वेश्चन आंसर। होपफुली आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, मैं अशुभ का जो ये स्पेल है ये करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब ये थी वर्कशीट कंप्लीट। अब जो बच्चे वेट कर रहे थे गेम के बारे में बताने के लिए, मैं आपको देखो क्लियर कर देता हूँ एकदम। देखिए ये क्या है, अब जो गेम में जो गेम है, ठीक है, अब किस तरीके से चलेगा, इसमें क्या होगा, जैसे कि बच्चे जानते हैं मैं मेडिकल लाइन से हूँ। ठीक है, तो मैं क्या है व्लॉग स्टार्ट करूँगा। ठीक है, व्लॉग मतलब मैं वीडियो डाला करूँगा दूसरे चैनल पर, और उस वीडियो के अंदर क्या होगा, उसके अंदर मैं अनबॉक्सिंग करूंगा गिफ्ट की, जो भी गिफ्ट देना है, क्योंकि अब से जो गिफ्ट होगा वो आप लोगों को दिखेगा वीडियो में। इससे पहले क्या होता था कि मैंने सिर्फ लिस्ट दे दी थी कि ये गिफ्ट होने वाले हैं, तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं गिफ्ट सेंड कर दिया जाता है और उसका फ़ोटो नहीं सेंड करते हैं ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। अब इसमें क्या होगा, मैं उसका अनबॉक्सिंग करूंगा। मान लो मैंने एक गिफ्ट लिया, ठीक है, उस वीडियो में मैं उसकी अनबॉक्सिंग करूंगा। ठीक है, तो उस जो अनबॉक्सिंग होगा वो आपको संडे को वीडियो का लिंक मिल जाएगा, कहाँ पे, टेलीग्राम पे। तो इसलिए सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे जिससे आपको संडे को वो लिंक मिल जाए और आप लोग क्लिक करके वो वीडियो देख सकें। ठीक है, जिस वीडियो में बच्चों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मेडिकल लाइन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, और आपको जनरल नॉलेज भी काफ़ी मिलेगी। ठीक है, और उसी वीडियो में मैं उस गिफ्ट का अनबॉक्सिंग कर दूंगा, मतलब उस गिफ्ट को आपको खोल के दिखाऊंगा कि ये आपका प्राइस है और ये आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए, तो इसलिए आपको क्या करना है सभी बच्चों को, और देखो वो गिफ्ट मिलेगा किसे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर वो गिफ्ट किसे मिलेगा। अब देखो क्राइटेरिया सेम वही रहेगा, जो बच्चा डेली मेरे चैनल से वर्कशीट करता है। ठीक है, जो बच्चा 10 फ्रेंड के साथ शेयर करता है, और जो बच्चा वीडियो को पूरी देखता है। ठीक है, अगर आप वीडियो को फुल देखते हो, 10 फ्रेंड के साथ शेयर करते हो और डेली मेरे चैनल से वर्कशीट करते हो, तो आपको वो प्राइज मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मान लो उस पर आपने वीडियो देखी, मैंने देखा भाई इतने सारे बच्चों ने वीडियो देखी है, ठीक है, इसने कमेंट भी किया है, और ये बच्चा मेरे चैनल से हमेशा वर्कशीट भी कर रहा है और 10 फ्रेंड के साथ भी भेज रहा है और पूरी वीडियो देख रहा है, तो मैं उसका नाम अगली वर्कशीट में लूँगा। ठीक है, और उसके घर पर जाके मैं खुद उस गिफ्ट को डिलीवर करूँगा और उसके साथ मैं सेल्फी लेकर और आप सब लोगों को दिखाऊँगा कि इस स्टूडेंट के घर पर जा चुका है। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा, एकदम लाइव रहेगा, प्रूफ रहेगा। ठीक है, और एकदम ऑथराइज रहेगा कि आप लोग सब जानते हैं किसको गिफ्ट मिला है और कौन कौन उसके किसका किसका नाम सेलेक्ट हुआ है। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे सब चीज़ फॉलो करेंगे, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।